तो Redmi 9 पावर डिवाइस में ना MIUI 12.5.7.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे जो पहली बार जो अपडेट देखने के लिए मिला था ना MIUI 12.5.7.0 वर्जन का, वो गाइस आप लोगों को ना 2 से 3 दिन पहले देखने के लिए मिला था। एंड गाइस आप लोगों को फिर से एक बार इट मीन्स यार अगेन रोल आउट स्टार्ट हुआ MIUI 12.5.7.0 वर्जन के साथ में Redmi 9 पावर डिवाइस में, जो कि गाइस आप लोगों को ना कल शाम 6:30 बजे के आसपास में अगेन रोल आउट होना स्टार्ट हुआ। तो यार आई होप कि यहाँ पे ना कुछ और भी यूजर्स होंगे जो कि अपने Redmi 9 पावर डिवाइस को ना MIUI 12.5.7.0 में अपडेट कर लिए होंगे, क्योंकि अपडेट ना यहाँ पे अप्रोक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है एंड अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है। इट मीन्स यार यहाँ पे ना दोबारा अपडेट देखने के लिए मिला है। तो गाइस यहाँ पे ना Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए ना इट मीन्स यार पब्लिक यूजर्स के लिए MIUI 12.5.7.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस हम बात करेंगे कि जिन Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को ना MIUI 12.5.7.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो गाइस उन्हें फाइनली कब तक अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को ना यहाँ पे जो अपडेट जो कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है ना, तो इस अपडेट का आप लोगों को फर्सेस कितना देखने के लिए मिलता है एंड अपडेट में आप लोगों को ना क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि Redmi 9 पावर डिवाइस में जो MIUI 12.5.7.0 का जो अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, तो इस अपडेट के जरिए ना आप लोगों के डिवाइस में जो भी बग एंड इशू थे वो फिक्स हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप भी हैं Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स, तो वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो Redmi 9 पावर डिवाइस में ना MIUI 12.5.7.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट ना सभी Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट तो हो गया है। सो गाइस अगर बात करें कि इस अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है, तो गाइस आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू थे उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। लेकिन गाइस यहाँ पे ना एक बग एंड इशू देखने के लिए मिला है, जो कि नीचे कॉमेंट सेक्शन में यूजर्स बता रहे थे कि उनका जो डिवाइस का जब ऐप्स को ओपन करते हैं ना, तो वो ऐप जो है वो बहुत ही स्लो ओपन होता है। तो गाइस ये बग एंड इशू देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे ना आपके डिवाइस में और भी जो बग एंड इशू थे, जैसे कि लैगिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन का इशू एंड गाइस आप लोग को जो चार्जिंग इशू देखने के लिए मिलता था, तो गाइस वो बग एंड इशू को ना फिक्स कर दिया गया है MIUI 12.5.7.0 अपडेट के थ्रू। अगर बात करें इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में, तो ये अपडेट का फाइल साइज ना आप लोगों को 491 MB देखने के लिए मिल जाता है। जी गाइस यहाँ पे ना फाइल साइज आप लोगों को 500 MB के अंडर में ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इस अपडेट में ना आप लोगों को कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपको अपडेट देखने के लिए मिल गया, तो आप अपने डिवाइस को ना MIUI 12.5.7.0 के अपडेट में अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनके मन में एक कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि अपडेट जो देखने के लिए मिलता है वो कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है, तो अपडेट में जो बैचेस में जो अपडेट देखने के लिए मिलता है ना, तो सारे बैचेस में अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। सारे बैचेस में जो अपडेट देखने के लिए मिलता है ना, तो उस अपडेट में सेम चीज ही देखने के लिए मिलता है एंड फाइल साइज भी आप लोगों को सेम ही देखने के लिए मिलता है, चेंज लॉग भी आप लोगों को सेम ही देखने के लिए मिलता है। अपडेट जो बैचेस में रिलीज कराया जाता है, इसी वजह से रिलीज कराया जाता है कि अगर पहली बार अपडेट जो रिलीज कराया जाता है ना, अगर उस अपडेट में कोई भी बग एंड इशू रहता है, तो उस अपडेट के बग एंड इशू को फिक्स करने के बाद फिर से नेक्स्ट बैच रिलीज कराया जाता है। तो इसी वजह से अपडेट जो रिलीज कराया जाता है वो कई सारे बैचेस में रिलीज कराया जाता है। सो गाइस यहाँ पे कोई भी जो चेंज लॉग है वो चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जिन Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को ना MIUI 12.5.7.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो फाइनली उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा? तो यार अपडेट तो मिलना स्टार्ट तो हो गया है, तो गाइस आप यहाँ पे वेट कर लो, अप्रोक्स 1 वीक के अंदर ना सभी को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अपडेट यहाँ पे सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो गया है एंड अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है ना, तो अपडेट ना आप लोगों को यहाँ पे अप्रोक्स 1 आवर के लिए देखने के लिए मिलता है। सो गाइस आप यहाँ पे ना अलर्ट रह के अपडेट को चेक करते आना। बेसिकली गाइस आपने यहाँ पे
2 PM टू 4 PM के बीच में आप लोग अलर्ट रहना, क्योंकि अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो इसी टाइम के बीच में आप लोग को ज़्यादातर अपडेट देखने के लिए मिलता है। सो गाइज इसी टाइम आप लोग अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइज आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि फिर से अपडेट रेडमी 9 पावर डिवाइस में ना जब भी देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइज फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।